हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में राज्य आधारित प्रश्न को देखेंगे। इट मीन्स हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित टेस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम, ये जो हमारा टेस्ट है फ्रेंड्स, ये आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो होने वाला है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फटाफट आप इस टेस्ट को देते रहे फ्रेंड्स, क्योंकि आप कुछ ही दिनों के बाद एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और ये जो हमारा टेस्ट है फ्रेंड्स, ये वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी से संबंधित कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा ये जो यूपी से संबंधित जो जो आपका सामान्य ज्ञान होता है वो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में लगभग इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आप इसे वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं जो यूपी से संबंधित किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशली जो हमने तैयार किया है वो यूपी पुलिस के लिए है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको उसको तो उत्तर मालूम होगा तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? आपको उत्तर बताना है फ्रेंड्स। इसका उत्तर है व्यापार कर से, मतलब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? इसका उत्तर है फ्रेंड्स ए, उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव कारक जो है, फैक्टर है, वह उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा जो 15-16 जो बजट भाषण था, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 15-16 को क्या किया गया, किसान वर्ष के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो एक्चुअली ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि कौन से ईयर को मनाया गया, तो ये पर आपका होगा 15-16। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2016-17 देखा जाए तो 16-17 को किसान वर्ष और युवा वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स कि कौन से ईयर को युवा वर्ष घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर है 2016 या 17। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसान वर्ष पूछा जाएगा तो 2015 से 16। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे हमने इस क्वेश्चन से संबंधित ही हमने 3 क्वेश्चंस को देखा है, तो मे बी आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये एक्चुअली ये हमने इस टाइप की सीरीज इसलिए बनाया फ्रेंड्स ताकि, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, अब हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा राज्य से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम फटाफट करा रहे हैं ताकि आप इसको इसमें टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और आपकी तैयारी जो है, आपने जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे राज्य के बारे में स्पेशल, आपका समय है कि आप अपने मतलब तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। ठीक है, तो टेस्ट के माध्यम से क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो हमने पढ़ा है वो हम उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर है ए, 1974, मतलब 1974। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, इसका आंसर है ए, फूलों का, फ्लावर। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चंस का सार संग्रह है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है? इसका उत्तर है बी, गन्ना, सुगर केन। ओके, तो गन्ना जो है वो राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि किस टाइप की फसल है, तो शुगर केन जो है वो नगदी फसल है फ्रेंड्स। इसके लिए क्या होता है कि चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लगभग 13% भाग में, मतलब यूपी के जो क्षेत्र हैं उसमें कुल कृषि का देखा जाए तो लगभग 13% भाग में गन्ना की कृषि की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस,
भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? इसका उत्तर है बी 15, ओके 15, 15 इज द राइट आंसर। तो प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि जो है जिस पर कृषि की जाती है या फिर वो कृषि करने के योग्य हैं, लेकिन कृषि करने के योग्य तो उतने हैं लेकिन कुछ कमियां आ गई है जिसके कारण मात्र 168.19 लाख हेक्टेयर पर ही कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स आपका बी 15, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव विद्यालय ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको आपके टेस्ट में शामिल किया है इस क्वेश्चन को। इसका उत्तर है ए इलाहाबाद। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 23 अप्रैल 2016 को, ओके, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तभी इलाहाबाद मंडल के चाका विकास खंड के दादूपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। तो बस आपको ये याद रखना है कि कब किया गया था, तो ये 23 अप्रैल 2016 में अखिलेश यादव जब सीएम थे तब किया गया था, ओके, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ है? इसका उत्तर है, बताइए अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो प्लीज बताइए। इसका उत्तर है सी इलाहाबाद में, ओके। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इलाहाबाद में है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, इट मीन्स 1998 में हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ है, आपको बताना है। इसका उत्तर है फ्रेंड्स सी कानपुर में। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो उसकी स्थापना हुई थी 1997 में, ओके, और यह विश्व बैंक की सहायता से द्वारा संचालित है, विश्व वर्ल्ड बैंक इसको हेल्प करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कानपुर में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है? इसका उत्तर है बी कानपुर, ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? इसका उत्तर है फ्रेंड्स ए नोएडा और कानपुर में, ओके, नोएडा भी आपका यूपी में आता है, तो नोएडा एंड कानपुर ए इज द राइट आंसर। जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है हम कर दे रहे हैं, जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस टेस्ट को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रयास है वो उन लोगों तक, उन स्टूडेंट तक भी पहुँच पाए जो स्टूडेंट हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, जो हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आप इस टेस्ट का पूरा पूरा फायदा उठाइए, जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहा है आप उसका स्नैपशॉट लेकर आप उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नए चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में अभी UPPCS BPSC और RAS से संबंधित बहुत सारे वीडियोज अपलोड होंगे, ठीक है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए वंदे मातरम।